गाइस स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने जो वीवो अकाउंट है, गाइस अगर आप भी अपने वीवो अकाउंट को क्रिएट करने जाते हैं और वहां पर आपको कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं, गाइस जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि आप अपने अकाउंट को क्रिएट करने जाते हैं तो आपको कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं पासवर्ड से रिलेटेड। आप वहां पर पासवर्ड को सेट नहीं कर पाते। यहां पर आप देख पाओगे कि मेरा जो अकाउंट है वो यहां पर क्रिएट हो चुका है। अभी ये मैंने कैसे क्रिएट किया, गाइस आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि यहां से साइन आउट कर लेता हूं, तब आपको बताऊंगा गाइस कि कैसे मैंने इसको क्रिएट किया था, कैसे आप अपने पासवर्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर साइन आउट कर लेता हूँ। वहां पर गाइस मैंने साइन आउट कर लिया। अभी आपको क्या है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है गाइस आपको पासवर्ड से रिलेटेड, यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन इन करते हैं विद गूगल अकाउंट, ऐसा हम यहाँ पर साइन इन करते हैं गाइस। आप भी साइन इन तो काफी आसान तरीके से कर लेते हो, लेकिन आपको पासवर्ड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आता है। अभी आप यहाँ पर देख पाओगे कि मेरा जो अकाउंट है वो पूछ रहा है कोई से भी आपको अपना एक जीमेल अकाउंट यहाँ पर दे देना है, जैसे कि मैं मेरा कोई से भी एक जीमेल अकाउंट यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद में लोडिंग लिया जाएगा और यहाँ पर गाइस आपसे क्या है कि आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस कि पासवर्ड में उन्होंने आपको कुछ दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि आपको जो लेटर्स हैं वो 10 डिजिट से लेकर 16 डिजिट का लेटर तक होने चाहिए। यहाँ पर आपको इसमें एक बात में ध्यान रखना है गाइस कि यहाँ पर इसमें क्या होता है कि हम जब पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर एट द रेट वगैरह कुछ लगा देते हैं, जैसे कि डॉट का सिंबल, कुछ ये वाली लाइनें, स्पेस वगैरह अगर हम यहाँ पर देते हैं तो इससे ये गाइस यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट नहीं हो पाता है हमारा। तो आपको गाइस बिना एट द रेट के कुछ पासवर्ड्स लगाना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने मेरा नाम लिखा और उसके बाद में आपको एट द रेट का प्रयोग नहीं करना है या डॉट का। यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर गाइस आपको ऐसा लिख देना है और आपको 10 डिजिट से ऊपर के यहाँ पर अंक जो है लिख देने हैं और आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड जो है गाइस सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आपका अकाउंट भी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं गाइस इसमें पासवर्ड क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे 2 जीमेल अकाउंट इसमें ऐड हो जाएंगे। मैं मेरे पुराने वाले जीमेल अकाउंट से ही यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। अगर आपका पुराना जीमेल अकाउंट आप दोबारा से इसमें डालोगे, जिसके मैं यहाँ पर डालूंगा, तो मेरे से यहाँ पर अभी फिलहाल पासवर्ड नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम दोबारा से वहीं पर जाके दिखाते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है इसमें। तो गाइस कुछ इसी तरीके से आप इसमें पासवर्ड क्रिएट कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एट द रेट और डॉट वगैरह का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। तो आशा करता हूँ गाइस कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।